सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। अज दी क्लास विच आपां महासागर नाम दा जिहड़ा टॉपिक हैगा जी, इहनूं डिस्कस करन जा रहे हां। इस टॉपिक विच आपां महासागरां दे बेसिक्स बारे जाणांगे, ते इस तों बाद जिहड़ी इक होर वीडियो आउणी है जिहड़ी कि तुहानूं कल नूं मिलेगी, उहदे विच आपां जिहड़ियां समुंदरी लहरां हुंदियां ने, समुद्री जिहड़ियां धारावां हुंदियां ने, ते ज्वार भाटा हैगा जी, उहनूं आपां डिस्कस करांगे। अज दी वीडियो वैसे काफ़ी छोटी होण वाली है, बट इहदा मतलब ये नहीं कि यह वीडियो इनफॉर्मेटिव नहीं होवेगी। ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है जी। सो शुरू करते हैं अज की अपनी वीडियो में। यह वीडियो तुहाडे पीएसटेट एंड सीटेट के एग्जाम लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है। वीडियो में शुरू करने तो पहला, जेकर तुसी अपने इस चैनल नू हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लियो जी, तो जिहड़ा नाल बैल आइकन होगा जी उन्हें भी प्रेस कर लियो, ता कि कल मैं एक जरूरी वीडियो बनावा तो तुहानू जिहड़ी नोटिफिकेशन है जी नाल दी नाल मिल जाया करेगी। हुण वेखदे हां जी महासागरां बारे। वैसे दोस्तों महासागरां बारे आपां छेवीं जमात विच भी पढ़ चुके हैं, सतवीं जमात विच भी मैं तुहानू ब्रीफली दस्या सीगा कि समुद्रां दे विच ते जिहड़ा अपना धरती वाला भाग हैगा जी उह किन्ने प्रतिशत विच तुहानू वेखण नू मिलदा है। तुहानू सारयां नू पता कि अपनी धरती नू भाव जिहड़ी अपनी अर्थ हैगी है इहनू आपां नीला ग्रह भी कहिंदे आ। इहदे पिछे की कारण है? इहदे पिछे इही कारण है कि अपनी धरती ते लगभग दो तिहाई जिहड़ा भाग हैगा जी उह पाणी दा वेखण नू मिलदा है, ते एक तिहाई जिहड़ा भाग हैगा जी उह तुहानू धरती दा वेखण नू मिलदा है, भाव उत्थे जमीन वेखण नू मिलदी हैगी है। सो इह बणिया किन्ना? टोटल बणिया लगभग जी टोटल 29%, जिवें कि तुसीं एक डायग्राम भी वेख सकदे हो। जिहड़ा येलो वाला जिहड़ा तुसीं पार्ट वेख रहे हो इह की है जी? तुहाडी हैगी है धरती, 29% इत्थे हैगी है जमीन, तो 71% की है जी इत्थे तुहानू पाणी वेखण नू मिलदा है। इस आंकड़े नू तुसीं चंगी तरह याद कर लियो, लगभग 71% तुहानू पाणी वेखण नू मिलदा है, तो 29% तुहानू जिहड़ी जमीन हैगी है जी इह वेखण नू मिलदी हैगी है। जेकर आपां भारत की गल करिए, भारत के लागे भी तुसीं कुछ समुद्र वेखे होणे आ, जिवें एक तो हो गया जी अरब सागर, हो गया एक तो हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी बंगाल के लागे है जी, तो गुजरात वाली साइड जिवें कि तुहानू सदन दे विच तुहानू अरब सागर वेखण नू मिल जाता है जी, ठीक है जी। सो इस इहदे बाद आपां गल करांगे कि अपने इस महासागरां विच आपां किहड़ियां किहड़ियां गल्लां नू आपां डिस्कस करन जा रहे हां। महासागरां विच मैं तुहानू एक ट्रिक भी दसी सी कि पैसा नाम दी, PAISA, जिहदे अकॉर्डिंग मैं तुहानू समझाया सी कि जेकर तुसीं वड्डे सिर तो मतलब कि वड्डे महासागर तो छोटे महासागर वल जाना है तो तुसीं इहनां नू किवें याद कर सकते हो, ठीक है जी। जिवें कि पहला मैं दस्सिया सीगा जी शांत महासागर पी तो शुरू हुंदा है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, एक मैं तुहानू सदन ओशन दस्सिया सीगा, बट वो एक्चुअल दे विच कोई सदन ओशन हुंदा नहीं है, वह पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन नू मिक्स करके ही बनता है। चलो इन्हां गल्लां नू भी आपां डिस्कस करांगे। इस तो पहला आपां ये भी वेख लैंदे हां कि जिहड़ा पैसिफिक जिहड़ा शांत महासागर है, अंध महासागर है, तो भारतीय जिहड़ा कि तुहाडा हिंद महासागर हैगा जी, ये तिने जुड़े हुए हैगे आ, एंड एक आर्कटिक ओशन भी हैगा, ये बारे भी आपां वेख लैंदे हां जी। सो मैं तुहानू एक ट्रिक दसी सी कि तुहानू सारयां नू याद ही होगा जिहदा की नाम सीगा जी, जिहदा नाम सीगा PAISA। इत्थे वैसे एक तुहानू ओशन वेखण नू नहीं मिल रहा होगा इस तों, इस तो मैं तुहानू दस्सिया सीगा ना पैसिफिक, अटलांटिक ते इंडियन, ये तिने रल के की बनाउंदे ने जी, ये तिने जदों रलदे ने इहनू आपां सदन ओशन कहिंदे आ। सो ये इत्थे ही हुंदा, ठीक है जी। सो पी तो की बन गया जी? पी तो बन गया तुहाडा पैसिफिक ओशन, जिहड़ा कि हैगा जी शांत महासागर, सारे नालों वड्डा जिहड़ा हैगा विश्व दे विच। तुसीं ये भी याद कर लियो कि ये लगभग 16.16 crore square kilometer का जिहड़ा एरिया हैगा जी ये कवर करता है। किन्ना एरिया कवर करता है जी इन करोड़ स्केयर किलोमीटर का? 16.6 crore square kilometer का। जेकर आप अटलांटिक महासागर की गल करिए, जिसे अंध महासागर कह सकते हो, यदा लगभग हाफ कवर करता, पैसिफिक का ये लगभग 8.2 कवर करता है जी। सो इस तरह ही जिहड़ा हिंद महासागर है इंडियन ओशन, यह है 7.3, तो आर्कटिक जिहड़ा ओशन है जिहनूं तुसीं आर्कटिक महासागर कहिंदे हो 1.3 है। पी तो मैं दस्सिया सीगा जी पैसिफिक ओशन, ए तो दस्सिया सीगा जी अटलांटिक ओशन, आई तो दस्सिया सीगा जी इंडियन ओशन, एस तो दस्सिया सीगा जी सदन ओशन, ए तो दस्सिया सीगा जी तुहानू आर्कटिक ओशन, ठीक है जी। एक मेरे साथी ने कमेंट किया सीगा कि सर ए तो दो नाम आ गए, जिवें ए तो इत्थों आ गया अटलांटिक, ए तो आ गया आर्कटिक, ठीक है जी। मतलब कि एक किसी साथी ने पूछा सीगा, मैं कहा चलो ये भी क्लीयर कर दिए कि तुहानू कितें कन्फ्यूजन ना हो जाए कि जेकर तुसीं पैसा नाम की ट्रिक तुसीं पेपर में लिख ली, पैसा नाम की जिहड़ी ट्रिक हैगी तुसीं पेपर में लिख ली, पी तो बन गया पैसिफिक, ए तो बन गया अटलांटिक, आई तो बन गया इंडियन, एस तो बन गया सदन, ए तो बन गया आर्कटिक। सो तुहानू एक कन्फ्यूजन हैगी कि ए तो आप जेकर इतने आर्कटिक भुलेखे ना लाए आए ला आए फिर की करांगे, फिर तो अपना एक क्वेश्चन गलत हो जूगा। सो बिल्कुल नहीं, ए तो तुसी अटलांटिक लायो, मतलब ए वेखो अटलांटिक अपने आप दे विच अखरां विच की है, अखरां विच वड्डा है, मतलब ये कि तुसी इन्ना याद कर लियो कि आर्कटिक नालों अटलांटिक वड्डा हैगा। सो इहदे नाल तुसी याद कर सकते हो पी तो आ गया पैसिफिक, ए तो आ गया अटलांटिक, आई तो आ गया इंडियन, एस तो आ गया सदन, ए तो आ गया आर्कटिक ओशनस, इहनूं तुसी याद कर लियो। हुण जेकर आपां पैसिफिक ओशन की गल करिए, पैसिफिक ओशन दे विच आपां कह रहे सी शांत महासागर की, ये विश्व दा सारे नालों
डूंगा जिहड़ा ओशन तुहानू वेखण नू मिलदा है, इहदी जिहड़ी डूंगाई हैगी आ उह सारे नालों ज़्यादा हैगी है। सारे नालों वड्डा विशाल जिहड़ा तुहानू महासागर वेखण नू मिलदा है जी, उहनू तुसीं पैसिफिक ओशन का नाम दिंदे हो। इहदे विच इह वी गल कही जांदी है कि इहदी जिहड़ी डूंगाई हैगी आ इन्नी ज़्यादा हैगी है कि जिहड़ा माउंट एवरेस्ट है। हुण माउंट एवरेस्ट बारे सारे नालों पता ही होगा, इहदी जिहड़ी उचाई हैगी है किन्नी है जी, 88 जिहड़ी उचाई हैगी है जी माउंट एवरेस्ट की, जिहड़ी विश्व की सारे नालों उच्ची जिहड़ी चोटी हैगी है जिहनूं तुसीं माउंट एवरेस्ट कहिंदे हो, ते उह तुहानूं नेपाल विच वेखण नूं मिलदी है। जेकर तुसीं उहनूं भी इस दे विच लै के जाने हो पैसिफिक ओशन दे विच, उह भी की होएगा जी, इहदे विच समझ लो कि डुब जाएगा। 88 मीटर की जिहड़ी कह सकते हैं कि जिहड़ा पर्वत होएगा उह भी इहदे विच डुब जाएगा। सो इह मतलब कि इहदी गहराई की गल की गई है। तो एक होर इहदे विच इंपोर्टेंट गल आउंदी है जी कि जिहड़ा पैसिफिक ओशन है ना, विश्व की सारे नालों जिहड़ी डूंगी जिहड़ी गर्त हैगी है मैरियाना ट्रेंच, ट्रेंच मतलब कि एक गर्त हुंदी है, वह तुहानू इहदे विच ही वेखण नू मिलदी है। मैरियाना ट्रेंच नाम की हैगी है, ये लगभग 11,000 वैसे तो 10,000 समथिंग मीटर हैगी आ, बट ये लगभग आप मान के चलते हैं कि 11,000 मीटर की जी एक मैरियाना ट्रेंच नाम की एक गर्त है। इतने तो शायद नहीं लिखा हुआ बट मैं तुम्हें वैसे दस रहा कि यह तो पैसिफिक ओशन के ही वेखन मिलती हैगी है। सो ये गल तो क्लीयर हो गई होनी है। एंड आप जेकर अपने भारतीय महासागर की गल करिए, तो यह अपना जोड़ा हिंद महासागर हैगा, हिंद महासागर एक कला अजिहा जोड़ा है महासागर हैगा जोड़ा कि किसी देश के नाम पर पिया, हिंद महासागर ठीक है जी, ये भारत के नाम पर पिया जिन्हों तुसी इंडियन ओशन भी कहते हैं। तो एक तुहानू आर्कटिक ओशन वेखण नू मिलता है जी, जिहड़ा कि विश्व का सारे नालों जिहड़ा छोटा महासागर हैगा जी, ये तुहानू वेखण नू मिलता हैगा, जिते सारा सारी लगभग कह सकते हैं बर्फ भी तुहानू जम्मी हुई इत्थे वेखण नू मिल सकती है। तो एक तुहानू होर हैगा जी जिन्हों तुसी अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, जिहड़ा कि तुहानू दक्षणी ध्रुव विच वेखण नू मिलता है, सदन साउथ पोल विच तुहानू एक अंटार्कटिक ओशन हैगा जी, ये भी तुहानू वेखण नू मिलता हैगा। एंड इस तो बाद आपां गल कर लैने आ जी कि जिहड़े फ्रैश एंड सलाइन वाटर, ये हुण अपना बहुत छोटा जिहा टॉपिक रह गया, ताज़ा अते नमकीन पानी। वैसे दोस्तों अज दी क्लास विच इन्ना कुछ खास है नहीं सी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इत्थे तुहाडी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो ये इंपोर्टेंट क्लास हैगी है जी। हुण आपां वेख लैने आ फ्रैश एंड सलाइन वाटर, ताज़ा अते नमकीन पानी, जिहड़ा ताज़ा पानी हुंदा जी जिन्हें तुसी पी सकते हो। वैसे दोस्तों कदे तुसी सोचा कि जेकर अपनी धरती ते 2/3 भाग पानी है, तो आप पानी बचाओ की गल करते ही क्यों हाँ? वैसे दोस्तों यह तो तुहानू सारयां नू पता ही होगा, बट जदों आप छोटिया क्लासा के बच्चों पढ़ाउण जांदे आ ते उन्हां नू नहीं पता हुंदा इस गल का। सो आप उन्होंने किवें समझा सकते हैं, जिवें आप दस सकते हैं कि जिहड़ा नमकीन पानी हुंदा उह तुहाडे पीण योग नहीं हुंदा, जेकर तुसी उन्हां पानी नू पींदे हो ते तुसी बीमार हो जाओगे। जिहड़ा पानी है जी ये तुहानू किते किते वेखण नू मिलदा है, जेकर आप पानी की गल करिए, पानी जिहड़ा है तुहानू ये नदियों में वेखण नू मिलता है, कैनाल्स विच, नहरां दे विच, लेक्स झीलों दे विच, सी समुद्रां दे विच, ते ओशियंस दे विच जिन्हें तुसी महासागर कहिंदे हो, इत्थे इत्थे तुहानू पानी वेखण नू मिलता है। बट जदों इहदे विच कुछ मिनरल्स ऐड हो जाते हैं तो इहदा इहदा जिहड़ा स्वाद हुंदा उह नमक वाला हो जाता, भाव यह कि यह लूण वाला पानी बन जाता ठीक है जी। एंड कई बार मिनरल वाला जिहड़ा पानी हैगा जी, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हुंदा किहदी ग्रोथ लई, जिहड़े तुहाडे बींगस ने, जिहड़े मनुख ने, जिहड़े प्लांट्स ने, जिहड़े पेड़ पौधे ने, जिहड़े दरख्त ने। तो दोस्तों कई बार प्राकृतिक कुदरती तरीकों नाल भी ये जिहड़ा पानी हैगा फिल्टर हो जाता, ये एग्जाम्पल आप वेख लैंदे, जिवें मान लो कि जिहड़ा समुद्रां दे विच जिहड़ा पानी सीगा वो इवैपोरेट होया, भाव वाष्पीकरण की प्रक्रिया नाल जिहड़ा समुद्रां दा जिहड़ा पानी सीगा जी वो गैसां विच तब्दील हो के उन्हें मीह पाता, कि जो मीह पै गया तो मतलब यह है कि वह साफ पानी बन गया, तो उही जिहड़ा पानी सीगा वह थले धरती से चला गया जिहड़ा मीह पिया सीगा, तो उही पानी नूं बाद विच आपां ट्यूबवैल दे थ्रू आपां कढ लैंदे आ ते उहनूं आपां पी लैंदे आ, समझ गए होवोगे। आपां जेकर फ्रैश वाटर की गल करिए, जिहड़ा तुहाडा पानी हैगा फ्रैश वाटर की गल कर रहे हैं ताज़े पानी की, ये तुहानू कितें कितें वेखण नू मिलता है, ये तुहानू रेनफॉल जिहड़ा मीह पैंदा है, जिहड़ा मेल्टिंग ऑफ आइस जिहड़ी तुहाडी बर्फ पैंदी हैगी है जी, या फिर जिहड़ी तुहाडी बर्फ हुंदी है जदों पिघलती है, इहदे नाल भी तुहानू जिहड़ा साफ पानी ताज़ा पानी पीण नू मिलता है। रिवर जिहड़ियां नदियां हुंदियां ने, जिहड़े कनाल्स हो गए, जिहड़े ट्यूबवैल्स हो गए, इत्थे तुहानू फ्रैश वाटर वेखण नू मिलता हैगा। एंड इहदे बारे आपां गल डिस्कस कर ही चुके हैं कि तुहाडा जिहड़ा साफ पानी हैगा ताज़ा पानी उह बणदा किवें आ, जिवें कि जिहड़ा पानी होगा जिवें धुप दीआं किरणां सिद्धियां पैणगीआं समुद्रां दे उत्ते नदियां दे उत्ते, ते उह वाला जिहड़ा पानी होगा जी भाप बण के उपर जा उपर जाऊगा, बाद विच उही जिहड़ा पानी होगा जी मतलब कि जिहड़ी गैसां होणगीआं उह ठंडियां हो के धरती ते मीह पौणगीआं, बाद विच उही जिहड़ा पानी हैगा जी उहनूं आपां साफ पानी कह दिंदे आ ठीक है जी, ताज़ा पानी कह दिंदे आ। हुण आपां गल करदे आ जी सलाइन वाटर दी, जिहड़ा नमकीन पानी हुंदा, जेकर आपां नमकीन पानी दी गल करिए, जिहड़ा नमकीन पानी हुंदा जी इह आपणे पहलां तां दस दिए कि बॉडी लई सही नहीं हुंदा ठीक है जी, ते एक ना नमकीन पानी दे विच जेकर कोई तुसी चीज़ सिटदे हो तो उह चीज़ डुबदे नहीं उत्ते, जिवें कि एक हाईएसट सैलिनिटी वाला एक पानी हैगा, मतलब कि एक इहो जिहा कह सकते हैं कि सागर हैगा जिहदे विच सारे नालों वध नमक पाया जाता, सैलिनिटी हुंदी है जी मतलब कि उहदी नमक दी जिहड़ी मात्रा हैगी आ उहदे विच सारे नालों वध पाई जाती है, उहनूं आपां कहिंदे आ जी डैड सी,
डेड सी इहनूं तुसीं कहिंदे हो जी, मृत सागर कह दिंदे हो शायद, मृत सागर तुसीं इहनूं कहिंदे हो, ठीक है जी। एंड ये जिहड़ा सागर हैगा जी, ये लैंडलॉकड है, भाव यह कि यह चारे पास्यों धरती नाल घिरिया होया, चारे पासे ते जमीन हैगी है डेड सी। तुसीं ये गल जरूर याद कर लियो, डेड सी नाम का एक इहो जिहा सागर हैगा जिथे तुहानू नमक की जिहड़ी मात्रा हैगी जी सारे नालों वध वेखण नूं मिलदी हैगी है। एंड तुसीं एक गल ये भी नोट की होगी कि जदों भी तुसीं महासागरां वल वेखदे हो तो उत्थे दा जिहड़ा पानी हुंदा कदे भी खड़ा नहीं हुंदा, ठीक है जी। खड़ा नहीं हुंदा मतलब वो करदा की है, मतलब वो मूव करदा, एक थां तों दूजी थां ते जांदा, एक थां तों दूजी थां ते वो किवें जाऊगा, वो लहरां दे रूप में चला जांदा, वेव्स कह दिंदे आ। ओशन करंट्स भाव सागरियां धारावां दे थ्रू चला जांदा ते ज्वार भाटा दे थ्रू चला जांदा, भाव यह कि यह कुछ मूवमेंट्स हैगियां ने। समुद्री जिहड़े पानी हुंदा ना, समुद्री पानी एक किसे दो तीन तरीकों नाल मूव करता हुंदा, इहनूं आपां अगले चैप्टर विच डिस्कस करांगे। ये जिहड़ा टॉपिक होगा जी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आह वाले की जिहड़ी वीडियो बनेगी यह भी थोड़ी जी लौंग बनेगी, ठीक है जी, क्योंकि इहदे विच कुछ कंसैप्ट ने। टाइड्स के विचों सी टाइड के विच काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते होंगे, ओशन करंट्स बारे भी तुहानूं पता होना चाहिए, तो लहरां की हुंदियां ने जी ये बारे भी तुहानूं पता होना चाहिए। सो उम्मीद करदा जिहड़ा अज आपां थोड़ा जिहा डिस्कस किया यह तुहानूं जरूर समझ लग गया होगा, बाकी दा आपां अगली क्लास में डिस्कस करांगे। जेकर तुहानूं क्लास समझ लगी होवे, वीडियो इनफॉर्मेटिव लगी होवे, तां तुसीं इस वीडियो नूं जरूर लाइक कर दिओ। हुण आपां छोटे छोटे टॉपिक नूं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहुंदा कि मैं कोई काल करां ते जिहड़ा टॉपिक हैगा जी वो कोई स्किप हो जाए ते तुहानूं जिहड़ा टॉपिक है जी वो ना समझ लगे। ज्योग्राफी सब्जेक्ट हैगा जी, आपां इहनूं कंसैप्ट दे थ्रू ही समझ सकदे हां। काफ़ी सारे मेरे इहो जिहे साथी हो सकते हैं जिहड़े कहणगे कि सर सानूं तां सारा कुछ आउंदा, बट ये वीडियोज़ उन्हां स्टूडेंट्स लई हैगी है जिन्हां नूं कुछ नहीं आउंदा। काफ़ी सारे इहो जिहे मेरे साथी हैगे ने जी जिन्हां नूं बेसिक लैवल तों जानकारी नहीं हैगी, वो कहिंदे सके कि सर सानूं बेसिक तों कराया जाए, क्योंकि जिहड़े बाकी साथी ने उह तां चलो आपदा पेपर क्लीयर कर लैणगे, बट जिहड़े वो साथी रह जाणगे जिन्हां दा मतलब कि बेसिक भी क्लीयर नहीं हैगा, सो मैं सोचा सीगा कि उन्हां नूं बेसिक तों करवाया जाए। मैं हुण ये मन के चल रहा कि तुहानूं कुछ भी नहीं आउंदा, ठीक है जी। वैसे मैनूं पता कि तुसीं काफ़ी इंटैलीजेंट हैगे हो, बट फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि तुहानू बहुत ही इंटरेस्टिंग वे नाल ज्योग्राफी नू पढ़ाया जाए। सो इस दे नाल ही आप वीडियो नू करते हैं खत्म। वीडियो नू लाइक जरूर कर लियो जी, तो चैनल नू भी सब्सक्राइब जरूर कर लियो। सो इस दे नाल ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।